गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल YouTube चैनल और न्यू वीडियो. कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे. सो ये बेसिकली होने वाला है तीज का व्लॉग और ये आज का दिन जो है वो तीज से एक दिन पहले का है. तो इन लोगों के स्कूल में तीज सेलिब्रेशन होगा तो हर्षित ने पहना है ये सूट और हर्षित को मैं दिखाती हूँ. हर्षित ने पहनी है ये ड्रेस. तो आज इनके स्कूल में तीज सेलिब्रेशन है और हम लोग इनको छोड़ने जा रहे हैं. सो गाइज अभी ना मैंने दोनों बच्चों को भेज दिया, घर का ऑलमोस्ट सारा काम कर लिया है. अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है अपना कल का आउटफिट चूज़, क्योंकि कल तीज है. कल मेरा एक छोटा सा इवेंट है तो मैं वहाँ भी जाऊँगी. सो उस हिसाब से मैंने अभी अब तक अपनी ज्वेलरी सिलेक्ट की है और नाउ द टाइम इज कि मुझे करना है अपना आउटफिट चूज़. तो फटाफट से मैं अपना आउटफिट चूज़ कर लेती हूँ. देखो मैं दिखाती हूँ. आई हैव दीज ऑल ऑप्शंस और अभी ये दो अनबॉक्स करने हैं. ये सभी ऑप्शंस है और मुझे समझ नहीं आ रहा. सो मैं ना इसके साथ जाना चाहती हूँ क्योंकि ये थोड़ा स्टाइलिश है. इसका दुपट्टा भी कुछ इस तरीके का है, काफ़ी सुंदर रहने वाला है. बाकी कल का पता चलेगा कि मैं क्या पहनने वाली हूँ. ये गाउन भी है, देन मेरे पास एक अनारकली भी है, देन एक ग्रीन आउटफिट में ना ये वाला भी होने वाला है. एक इसमें स्ट्रिप्स है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा पहना हुआ भी. इसके साथ भी शरारा है, देन नेट का दुपट्टा है और ये दोनों अभी अनबॉक्स करने हैं. तो चलो इनको अनबॉक्स करती हूँ. आई एम सो कंफ्यूज कि मुझे क्या पहनना चाहिए. क्या नहीं, इतने सारे पार्सल होने के बाद में सच में कुछ समझ नहीं आता. तो फर्स्ट वन इज दिस और इसमें कुछ पर्पल पर्पल है. ओके ये आउटफिट मेरे पास ऑलरेडी है, तो ओपन नहीं करने वाली मैं, ये नहीं पहनूंगी. तो द नेक्स्ट वन इज दिस और ये एक शर्ट से सिर्फ कुर्ती है या पता नहीं पैंट है, इसमें पूरा सेट सेट है. तो दिस इज द नेक्स्ट पीस आई हैव. This looks pretty. So, इसको एक काम करती हूँ, मैं आज वेयर कर लेती हूँ. अभी नहा के आती हूँ, फटाफट से इसको वेयर करके आप लोगों को दिखाती हूँ. ठीक है, आउटफिट के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ अपनी मेहंदी लगवाने के लिए और मेहंदी लगा रही है पम्मी. शर्मा रही है ये और देखो बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है ये, बहुत प्यारी. ठीक है, तो पहले मेहंदी लगवा लेती हूँ फिर दिखाऊंगी. ओ गाइस हैप्पी तीज. आज है तीज, कल पता है वो मेहंदी लगवाई तो उसके बाद कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाए. खाना वाना भी जो देखना था वो सब कुछ दीपक ने किया है. सो आपको मेहंदी दिखाती हूँ. तो दिस इज माई मेहंदी और मैंने कुछ इस तरीके से लगाई है, आप लोग देख सकते हैं. ठीक है, मेहंदी मैंने लगाई है, पीछे भी लगवाई है, देन इस हाथ पे भी लगवाई है, पीछे भी लगवाई है. बहुत सुंदर मेहंदी और बहुत सारे लोगों ने ना मेरी इस रिंग के लिए कमेंट किया था. तो आप लोग देखो ध्यान से कितनी ज़्यादा सुंदर और कितनी ज़्यादा प्रिटी है. तो जिनको डिज़ाइन चाहिए वो मुझे DM पे जाकर आई मीन इंस्टा पे जाकर DM कर सकते हैं. वहाँ पे मैं इस रिंग का डिज़ाइन जो है आप लोगों के साथ पर्टिकुलरली शेयर कर दूँगी. और आज है तीज, आप लोग सोचोगे तीज है और रेडी नहीं हुई तो गेट रेडी विद मी तो बनता है. तो एक गेट रेडी विद मी आप लोगों के साथ शॉर्ट्स पे आ जाएगा. ठीक है, तो फटाफट से अभी बच्चों को मैंने नहला धुला के दोनों को, कशिश को मैंने सूट पहनाया था और हर्षु को मैंने कुर्ता पजामा पहनाया था. सो दोनों को फटाफट से ना अच्छे से रेडी करके मैंने भेज दिया है और मैं उनका शूट लेना भूल गई. कोई बात नहीं, मैं मम्मी को कॉल करके बोल दूंगी कि मम्मी उनका एक छोटा सा व्लॉग फॉर्म में बना के मुझे भेज देगी, वो मैं आपके साथ आगे पीछे कहीं भी डाल दूंगी. और ये सारा मेरा शूट का खिलेरा खिंडा हुआ है और आज हमें जाना है एक इवेंट में भी. इवेंट के लिए रेडी होना है, तीज के लिए रेडी होना है. भैया का बर्थडे है तो भैया के बर्थडे का भी थोड़ा बहुत होगा, जो होगा देखते हैं करेंगे या नहीं करेंगे. क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली हूँ पूरा दिन. अभी बजे है मॉर्निंग के 9:30. हम लोगों ने बच्चों को रेडी कर दिया है, किचन विचन क्लीन कर लिया अपनी, घर का बाकी सो काम हो गया है. बस थोड़ा बहुत ना ये शूट का जो खिला रहा था वो सामाना बाकी है, उसके बाद नहाना धोना देन शूट करना बच्चा है, वो सब काम मुझे करना है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. और मेरी मेहंदी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना. एंड पीछे से भी देखो बहुत ज़्यादा, एक मिनट रिंग दिखा देती हूँ. भाई मैं रिंग दिखा अपनी रिंग फ्लॉन्ट करना चाहती हूँ, देख लो. ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरी मेहंदी कैसी लग रही है. तो चलो जब तक मैं ये सारा क्लीन कर लेती हूँ. मैं हो गई रेडी और घर पे आई हूँ एक बार. अभी हम जा रहे हैं झूला झूलने के लिए और मैं जा रही हूँ, मम्मी जा रही है और बच्चे जा रहे हैं, हम सारे जा रहे हैं. ठीक है, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ. कमेंट करके बता देना मैं कैसी लग रही हूँ. बाय द वे फुल लुक जो है वो आप लोगों को वहाँ झूला झूलते टाइम दिखा दूँगी या वहाँ जाके ही दिखा दूँगी. ठीक है, क्योंकि एक वीडियो शूट करनी है तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ. आज बहुत सारी चीज़ें, इवेंट में भी जाना है, उसके लिए भी रेडी होना है. तो उस हिसाब से देखते हैं. तो चलो चलते हैं.
सो गाइस फाइनली हम झूला झूलने आ गए एंड दिस इज माय फाइनल एक भी ना रही भावना इस तरह अच्छा अपने आप आओगे जोर से पकड़ के रखना ठीक है हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे नीरज हैप्पी बर्थडे टू यू खींच रही हूँ मैं साथ साथ कशिश इधर देख प्रिया का बर्थडे केक काट के और तीज थोड़ा बहुत तीज सेलिब्रेट करके अब मैं आ गई हूँ अपने घर और अब फटाफट से मैं रेडी होंगी सबसे पहले मैं बना लेती हूँ खाना क्योंकि अभी हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया चेंज वेंज करती हूँ उसके बाद फिर इवेंट के लिए रेडी होती हूँ इवेंट के लिए रेडी होना ज़्यादा ज़रूरी है सो गाइस फाइनली वी आर रेडी और जैकेट पहन ली और ये भी रेडी हो गए हैं छतरी लेके जाएंगे बिकॉज बहुत ज्यादा बारिश आ रही है तो चलो चलते हैं फाइनली इवेंट में और मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है पूरा आउटफिट देख लो और फिर मुझे कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ चलो चलते हैं फाइनली हम लोग घर से तो निकल गए हैं और बहुत ज़्यादा बारिश है भाई इतनी ज़्यादा बारिश है ना हम लोग छतरियाँ ले लेके निकले हैं बहुत मुश्किल से और बस वहाँ जाके देखते हैं कैसा क्या रहेगा आज का इवेंट आई एम सो एक्साइटेड लिटिल बिट नॉट मोर ज़्यादा नहीं बट इतना ज़्यादा भी एक्साइटेड नहीं हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इसको देखो ये क्या डॉन बन रहा है अरे डॉन बन रहा है तू क्या बन रहा हूँ क्या दो ठीक है तो अब वहाँ चल के मिलते हैं और वहाँ हमें मिलने वाला है कुनाल सो कुनाल को भी बोल देंगे वहाँ पर मिलने के बाद उससे भी आप लोगों को मिलाऊंगी तो चलो चलते हैं ठीक है देखो बहादुरगढ़ में बाढ़ आ गई इतनी सी बारिश हुई है सिर्फ आज बारिश हुई है इतने दिनों बाद और लिटरली हर जगह देखो कैसे पानी भरा हुआ है मतलब हद होगी यार यहाँ के पता नहीं है जो काम करने वाले होते हैं एमसीडी वाले होते हैं जो भी होते हैं वो लोग कर क्या रहे हैं सो रहे हैं क्या सो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए थे हम आए हैं एनवाइस सिनेमा और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा शूट चल रहा है जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ बेसिकली आई हूँ और ऐसे ही कुछ था अंदर जाने के बाद हमने यहाँ पर भी शूट किया यहाँ पे मीडिया भी आई हुई थी तो वहाँ पर भी मेरा काफ़ी अच्छा शूट उन लोगों ने किया उसके बाद फिर हम लोग गए स्क्रीन्स देखने के लिए और इनके स्क्रीन्स काफ़ी अच्छी थी यहाँ पर हम लोग बकवास कर रहे हैं बिना बात की तो बस थोड़ा सा उसको इग्नोर करना यहाँ भी शूट चल रहा था मेरा जिस वीडियो के लिए हम बेसिकली वहाँ पर गए थे साथ साथ शूट कर रहे हैं और वो करने के बाद फिर इसके बाद ओपनिंग का टाइम भी गया था तो फिर आप लोग देख सकते हो कितना लग्जूरियस सिनेमा हॉल यहाँ पर खुला है आप लोग भी वहाँ पर जा सकते हैं बहुत ही अच्छा है देन हम लोगों ने थोड़ा सा और शूट करा साथ में मीडिया खड़ी है तो इन्होंने भी मेरा बहुत अच्छे से शूट किया था तो बहुत सो बहुत सारे शूट कराने पड़े आज मुझे और मैं बहुत ज़्यादा लिटरली थक गई थी फिर आ गए थे वहाँ पर ये सब मुझे कैप्चर कर रहे हैं जो इनको देन अजय का सर आ गए थे तो वहाँ पर भी जो मेरी पिक्चर्स क्लिक होनी थी वो सब पिक्चर्स एंड वीडियोज़ बन रही थी उसके बाद टाइम था इनोग्रेशन का तो यहाँ पे सर और पूरी टीम ने मिलकर फिर इनोग्रेशन किया उसके बाद फिर हम लोग चले गए अंदर अंदर जाने के बाद हम लोगों ने पूरा सेक्शन फिर से एक्सप्लोर किया आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रश था हमारे सीरियसली बहुत ज़्यादा लोगों को इन्वाइट किया गया था बट इन्फ्लुएंसर्स ऐसे नहीं थे बट फिर जो इनके पर्सनल थे वो बहुत ज़्यादा लोग थे तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रश था से बगावत करने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट करता हूं सामने से वार करना होगा जो भी रास्ते में आए उसे काट डालेंगे
जान गवा दोगे। उसके बाद हम लोग ने देखा तो ये 360 वाला रोटेशन वाला भी यहाँ पर अवेलेबल है। फिर हम चले गए फूड काउंटर पर, खाने में बहुत सारी वैरायटी थी, बहुत सारी वैरायटी थी। मुझे सबसे अच्छा लगे चीज़ी नगेट्स, बहुत यम्मी थे। और उसके बाद यहाँ पर जो सर भैया थे वो खुद ही हम लोगों को सर्व कर रहे थे, तो मैंने इनको प्लेट दी और इन्होंने हमें सर्व करके दिया। इन्होंने सबसे पहले मुझे नूडल्स सर्व किए, तो फिर नूडल्स सर्व करने के बाद मेरे को इनका शूट भी लेना था, तो मैंने इनको बोला थोड़ा सा स्माइल करके इस तरफ देखो ताकि मैं आपका सीन कैप्चर कर सकूँ। सो हम लोगों ने इनका सीन कैप्चर किया। दैन फिर मैंने और दीपक ने मिल के नूडल्स खाए। उसके बाद साथ साथ हम लोग नूडल्स खा रहे थे, जल्दी और कुनाल दोनों को अपना जल्दी थे, तो वो लोग इस चेहरे को इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये यहाँ पे शूट करने आए क्या हैं, आराम से मज़े से खाने लगे हैं। खा ले तू भी कुछ। He was like gym to park dum. So here are the crowd, आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, लिटरली बहुत ज़्यादा भीड़ है। एंड वी आर डन विद आर शूट बट वी आर वेटिंग फॉर द डिनर। खाना खा के निकलेंगे फिर, अभी जस्ट वेटिंग। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सिनेमा है, बहुत ही अच्छा है एंड आई जस्ट लव इट। और बहादुरगढ़ में ऐसा अभी रिसेंट में कुछ है नहीं, तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ये एचएल सिटी में आप लोगों को मिलने वाला है। यहाँ पे 360 रोटेशन वाला भी मिलेगा आपको, फूड काउंटर भी जस्ट लाइक ऑसम है, बहुत अच्छा है। आई तो जस्ट लव इट। और आपको शॉर्ट्स देखने को मिल गए होंगे, सर्विसेज भी बहुत अच्छी है, तो यू कैन सी। और क्राउड के लिए प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बहुत भीड़ है यार। कितना राजी हो रहा है। फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं और अब बस सोने जाएंगे, बहुत ज़्यादा थक गए। आज का इवेंट बहुत अच्छा था। बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था, तो अब मैं बता देती हूँ इवेंट था क्या। इवेंट था, मुझे इनवाइट किया गया था फॉर इनोग्रेशन, NY सिनेमा के इनोग्रेशन के लिए, बहादुरगढ़ में HL सिटी में। NY सिनेमा जो है अजय देवगन जी का है, उनका सिनेमा ओपन हुआ है जो कि बहुत ही लग्जूरियस है, बहुत सारी इनकी फ्रेंचाइजी है और अलग अलग जगह, तो आप लोग वहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हो, बहुत 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 बढ़िया। आज उसकी ओपनिंग थी जिसमें अजय हुड्डा सर भी आए थे, बहुत अच्छा था, बहुत मज़े आए, तो हम लोगों को तो बड़े मज़े आए हैं। और मज़े आए कितने, मेरे को तो बहुत मज़े आए। चलो ब्लॉग का एंड मैं यहीं पर करूँगी, आप सभी लोग जल्दी एक बढ़िया से ब्लॉग और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय श्री श्याम।